समिट को आए संबोधित हुए कर रहे हैं। विशिष्ट मंत्रीगण, देश भर से विशाल संख्या में आए सभी निवेशक, उद्यमीगण और यहां उपस्थित सभी महानुभाव आए तो सामने दिखने लगता है उत्तर प्रदेश में इतने व्यापक स्तर पर इन्वेस्टर समिट होना, इन्वेस्टर समिट में इतने निवेशकों और उद्यमियों का एकजुट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी को, मंत्रिमंडल के उनके सभी साथियों को, यहां की ब्यूरोक्रेसी को, यहां के पुलिस विभाग को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं कि वो अपने उत्तर प्रदेश को इतने कम समय में समृद्धि और विकास के रास्ते पर ले जाने में सफल हुए हैं। पहले की स्थितियां क्या थी, किन वजहों से थी, ये यूपी के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। भय और असुरक्षा के माहौल में जब सामान्य मानवी उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है तो फिर उद्योगों के लिए तो सोच ही कैसे सकते हैं। विकास की बात करना, नौजवानों को नए अवसर की बात करना, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस की बात करना, मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे माहौल कभी कभी संभव था। नेगेटिविटी भरे उस माहौल से राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है, वे बधाई के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश में अब वो बुनियाद तैयार हो चुकी है जिस पर न्यू उत्तर प्रदेश की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण होगा और इसलिए इस पवित्र कार्य में, इस पवित्र यज्ञ में शामिल होने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में पुरानी कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। उत्तर प्रदेश में संसाधन और सामर्थ्य का इतना विस्तार है कि यहां पर सैकड़ों वर्षों से लगभग हर क्षेत्र की एक अपनी अलग पहचान रही है। लखनऊ के चिकन का काम मशहूर है तो मलिहाबाद के आम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। भदोही की कालीन है तो बनारस की जरी जरदोजी की कला और साड़ियों की धूम है। मुरादाबाद में बने पीतल के बर्तन देश विदेश जाते हैं तो फिरोजाबाद का कांच चमक दिखा के ही रहता है। यह हमारे आगरे के पेटा है तो कनौज का इत्र भी है। यहां सुबह बनारस है तो अवध की शाम भी है। यहां ताजमहल सारनाथ है तो अयोध्या मथुरा काशी भी है। यहां राम की लीला है तो कृष्ण की रास भी है। यहां गंगा है, यमुना है तो सरयू जी का आशीर्वाद भी है। यहां आईआईटी कानपुर है, आईआईएम लखनऊ है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे
महान संस्थान भी यहां पर है। ये उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास ही नहीं, यहां का वर्तमान भी है। ये झलक उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की है, टूरिज्म सेक्टर की है। ये झलक यहां के कल्चर की है, एग्रीकल्चर की है। ये झलक यहां की शिक्षा की है। ये झलक यूपी की शक्ति की है, यूपी की भक्ति की है। यही वो सामर्थ्य है, वो ताकत है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश आज अनाज के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में पूरे देश का नंबर वन स्टेट है। देश में दूसरे नंबर पर सब्जियां और तीसरे नंबर फलों का उत्पादन भी इसी उत्तर प्रदेश में होता है। लघु उद्योग के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। बीते कई वर्षों में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने राज्य को इस तरह संभालने वाले यूपी के कोटि कोटि भाइयों बहनों को मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। लेकिन नंबर वन नंबर टू के इस कंपटीशन के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जाना आवश्यक है। सवाल यह कि अब आगे क्या क्या उत्तर प्रदेश की क्षमता सिर्फ इतनी ही है? क्या उत्तर प्रदेश अपने सामर्थ्य से पूरा न्याय कर पा रहा है? साथियों, उत्तर प्रदेश में वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की भी ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर में ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोर स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की आज बहुत जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी की सरकार इस बात का ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय ले रही है, नीतियां बना रही है। यूपी में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए यहां पर नीतियां बनाई जाती हैं, नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। योगी जी की सरकार द्वारा अलग अलग सेक्टरों के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज बनाकर काम किया जा रहा है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, रिन्यूएबल पावर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए अनेक दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाली नीतियां बनाई गई हैं। अब यूपी में उद्यमियों के लिए रेड टैप नहीं, रेड कारपेट होगा। आज इंडस्ट्री के लिए जिस डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है वह भी इसी का उदाहरण है। यह एक सिंगल विंडो पोर्टल होगा जिसके माध्यम से उद्यमियों को एक तय सीमा में ऑनलाइन परमिशन मिल जाया करेगी। इसमें ह्यूमन इंटरफेस भी कम से कम होगा। निश्चित तौर पर यह यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से एक अहम कदम है। योगी सरकार पूरी गंभीरता के साथ किसानों से किए गए, महिलाओं और नौजवानों से किए गए वायदे
पूरे कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष धान खरीद 4 गुना बढ़ी है और गन्ने का भुगतान भी पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 40% बढ़ा है। यूपी सरकार अब पावर ऑफ ऑल मुहिम से जुड़ गई है और इसका स्थानीय उद्योगों को भी बहुत ही फायदा होने वाला है। साथियों, उत्तर प्रदेश को मां गंगा के मैदानी इलाकों का बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है। यहां की 60% जनसंख्या वर्किंग एज ग्रुप में है। इस इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर शक्ति का सही इस्तेमाल, मुझे विश्वास है कि यूपी को कई नई ऊंचाइयों को पार करने की एक नई ऊर्जा देगा, ताकत देगा और पहुंचा करके रहेगा। मैंने पहले भी कहा है, यूपी का पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल प्लस पॉलिसी प्लस प्लानिंग प्लस परफॉर्मेंस से ही प्रोग्रेस आती है। अब यूपी में सुपर हिट परफॉर्मेंस देने के लिए मुझे विश्वास है कि योगी जी की टीम तैयार है, यहां के नागरिक तैयार है, यहां का मानस बना हुआ है। आज के इस दौर में इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज पूरी वैल्यू चेन को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा एफिशिएंट, हायर क्वालिटी और प्रोडक्ट को मार्केट तक तुरंत पहुंचाने वाला बना रही है। अभी मैंने एग्जीबिशन में ऐसी तकनीकों को देखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का यहां बहुत स्कोप है। पूरे देश में जिस राज्य में स्मार्ट सिटीज और अमूर्त सिटीज की सबसे यहां पर आयोजन किया गया है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एसएल ग्रुप के चेयरमैन माननीय राज्यपाल चंद्रा जी संबोधित कर रहे हैं। श्री राम नायक जी, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, भारत और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, डिप्लोमेटिक कोर, विदेशों से आए सभी मेहमान और हमारे देश के सभी उद्यमी, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय मीडिया फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आदरणीय योगी जी को और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को उनके इस सफल आयोजन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। पहला आयोजन होने के बावजूद भी आप लोगों ने जिस निष्ठा से इस आयोजन को किया है वो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। ऐसे तो हमारा ग्रुप टी नेटवर्क के माध्यम से आपके उत्तर प्रदेश में नोएडा के यहां से हम लोग काम चलाते हैं और मुझे खुशी है आज ये कहते हुए कि जी नेटवर्क पूरे विश्व में 1.4 बिलियन लोगों को डेली टेलीविजन के माध्यम से सूचना और एंटरटेनमेंट दोनों की वजह से विश्व के 173 देशों में विश्व का दूसरा नंबर का नेटवर्क बन चुका है। इसके साथ ही ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से
आपने बड़ी ईमानदारी से जितने एमओयू साइन किए, मुझे याद आता है पिछली सरकारों की कुछ बात उत्तर प्रदेश की, जब हमने 30,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए लेकिन केवल 3,000 करोड़ का काम पिछले 3 सालों में कर सके। लेकिन इस बार जब हमारे अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी मिलकर, पहली योजना हमने 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की यहां बनाई, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जो कठिन थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको काट करके उस एमओयू को जो हमने साइन किया है 18,750 करोड़ कर दिया। ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप केवल एमओयू नाम के वास्ते साइन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई में उसको निमंत्रित करने के लिए और उसको कारगर करने के लिए कर रहे हैं। केवल एक ही बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा, जिस प्रकार से हम उद्यमियों को ये पता है, जैसे मेरे ग्रुप में यदि आज 20,000 लोग काम करते हैं, तो भले ही मैं चेयरमैन हूं अपने ग्रुप का, लेकिन मुझे पता है कि 19,999वां व्यक्ति भी यदि मेरे निर्णय को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो काम अधूरा रह सकता है। उसी प्रकार से कई राज्यों में हम लोगों का अनुभव आया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कई प्रोजेक्ट सुनने को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात आपको, योगी जी को भली भांति मालूम है, और हमने पिछले 2 महीने में जो इनके साथ काम किया, उनके अफसरों के साथ और के साथ, वाकई मैं मन से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में उभर रहा है। मैं मेरे सभी उद्यमी साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुले मन से उत्तर प्रदेश में आएं और उत्तर प्रदेश का साथ दें, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, ताकि भारत का भी विश्व में नाम उत्तर प्रदेश के कारण से भी चमके। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। तो देश विदेश से उद्योगपति लखनऊ पहुंचे हैं और इस समिट को संबोधित कर रहे थे अभी एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा। इन्वेस्टर्स समिट 2 दिनों तक चलेगा, आज इसका आगाज हो गया है। न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी इन्वेस्टर्स यहां पर आए हैं, और समिट के बाद एक बड़ा लाभ इन्वेस्टमेंट को लेकर जरूर उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, समिट का आगाज आज हुआ है, 2 दिनों तक चलेगा, कल भी यह समिट जारी रहेगा, कल समापन होगा। और कह सकते हैं ये निवेशकों का महाकुंभ है, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों से भी इन्वेस्टर्स निवेशक बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं इस समिट का हिस्सा बनने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में शिरकत कर रहे हैं, मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और साथ ही देश के बड़े इन्वेस्टर्स, विदेश के बड़े इन्वेस्टर्स जो कि लखनऊ पहुंचे हुए हैं इस समिट में शामिल हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से। दैट इंडिया रीचेस इट्स एम्बिशन एज सेट आउट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जी,